फ्रेंड्स, वेलकम टू मायद्विजा। अभी हम लोग वीडियो में जानेंगे बेबी ऑयल रिलेटेड और बेबी ऑयल के अप्लीकेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोगों के दिल में आते हैं। यस, स्टेप बाय स्टेप क्या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ मिथ्स को भी क्लियर करेंगे कि जैसे कि ऑयल लगाने से बच्चे का बॉडी काला पड़ जाता है, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे अगर हम लोग ऑलिव ऑयल बच्चे की बॉडी को लगाते हैं तो वो सूट नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द सेम वीडियो हम लोग लव लैब के नेचुरल ऑलिव ऑयल के फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जो हम लोग को हेल्प करेगा टू सेलेक्ट गुड बेबी ऑयल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बच्चों के लिए बेबी ऑयल यूज करना चाहिए? द आंसर इज यस। बेबी ऑयल आप लोग आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। इट कैन बी अ डेडिकेटेड ऑयल, जैसे कि आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। जैसे आप अगर मिक्सचर ऑफ फ्यू ऑयल्स यूज करना चाहते हो आपके बच्चे के लिए, वैसे भी यूज कर सकते हो। बट ऑयल आपको मसाज करते वक्त एक ल्यूब्रिकेशन का इफेक्ट देता है, जो बच्चे के लिए मसल रिलैक्सेशन, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करना, माइलस्टोन अचीव करने के लिए हेल्प करना, इस सब चीजों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर टू, क्या ऑयल के यूज से बच्चों का कॉम्प्लेक्शन डार्क या फेयर हो सकता है? द आंसर इज नो। आप कोई भी ऑयल यूज करो, राइट फ्रॉम डेडिकेटेड ऑयल या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, कोई भी ऑयल बच्चे का जो बेसिक कॉम्प्लेक्शन है, जो लेके बच्चा पैदा हुआ है, गोरा सावला थोड़ा डार्क शेड थोड़ा फेयर शेड, ये हमेशा रहेगा। बट यस, एट द सेम टाइम आपका बच्चा करीब 18 महीने का होने तक बच्चा खुद का कॉम्प्लेक्शन चेंज करते रहता है। एंड माय ओन पेडियाट्रिशियन टोल्ड मी कि आपका बच्चा 8 साल का होने तक कई बार आपको फील होगा कि कभी बच्चा गोरा दिख रहा है, कभी बच्चा सांवला दिख रहा है। सो इसका ऑयल के यूज के ऊपर कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, श्या हम लोग को बच्चे को ऑयल लगा के ओवरनाइट रखना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। कभी भी बच्चे के स्किन के ऊपर ऑयल लगा के ओवरनाइट नहीं रखना। एज सिंपल एज इवन इन द हेयर, पूरी रात आप लोग पूरा पूरा रात तेल लगा के रख रहे हो, वो भी हर रोज रख रहे हो, दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलिव पेनिट्रेशन के लिए होता है और वो पेनिट्रेट कोई पूरी रात नहीं होते रहता, बिकॉज अदरवाइज वो नेचुरल जो एक वेंटिलेशन है आपके स्किन का उसको अननेसेसरी ब्लॉक कर देता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चे के ऊपर भी जब भी ऑयल मसाज करोगे तो ऑयल मसाज के 10-15 मिनट के बाद देर शुड बी अ प्रॉपर बाथिंग। अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो देर हैज टू बी अ प्रॉपर स्पंजिंग। नेक्स्ट, क्या मसाज सिर्फ सुबह के समय होना चाहिए या शाम के समय भी चलेगा? द आंसर इज आइडियली छोटे बच्चों के लिए मसाज दिन में 2 बार होना चाहिए। सुबह वाला मसाज उनकी नींद में से उठने के बाद के एक्टिवेशन के लिए, और जो रात वाला मसाज है जो बेड टाइम रूटीन का हिस्सा हो सकता है, वो वाला मसाज सुबह की मसाज के बाद नहलाओ, शाम की मसाज के बाद स्पंजिंग कर दो। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को डाउट में डाल सकता है कि श्रेया, हम लोगों ने सुना हुआ है कि ऑयल्स में आर्टिफिशियल कलर्स ऐड होते हैं, ऑयल्स में आर्टिफिशियल ऑयल्स दूसरे वाले मिक्स करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर या फ्रेग्रेंस ऐड होता है, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि आप कौन से ब्रांड का ऑयल सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं लव लैब के ऑलिव ऑयल के बारे में। इट्स अ नेचुरल ऑलिव ऑयल, स्पैनिश ऑलिव से बना हुआ है, इसमें ना कोई आर्टिफिशियल ऑयल एडेड है, ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एडेड है, ना ही आर्टिफिशियल कलर एडेड है। सो बेसिकली जो ऑलिव ऑयल है वो ऑल सीजन में आप लोग यूज कर सकते हो, अगर आपको डेडिकेटेड ऑयल यूज करना है तो। एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, ये मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करता है, सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। अगर आप में से किसी को लव लैब का ऑलिव ऑयल परचेस करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी परचेस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किन किन लोगों को ये डाउट होता है कि श्रेया, ऑयल की वजह से क्या मेरे बच्चे के बॉडी पे फुंसी या घमोरिया आ सकता है? यस, बच्चों के स्वेट ग्लैंड से क्लोज होता है, तो वी डोंट नो कि बच्चे का स्किन किस टाइप की कॉस्मेटिक से ऑयल को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सो कोई भी ऑयल जो आप लोग को यूज करना है, आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग बच्चे के बॉडी के ऊपर पैच टेस्ट करो। इनफैक्ट ये अडल्ट के लिए भी कहा जाता है, तो बच्चों के लिए वो और भी ज़्यादा कंपल्सरी है।
प्लीज बच्चों के बॉडी के ऊपर पैच टेस्ट करो, विच इज गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम टू अंडरस्टैंड क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे बच्चे के बॉडी को सूट करता है. सो ये हो गई वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू बेबी ऑयल एंड बेबी ऑयल यूजेस. तो इन सभी चीज़ों को याद रखो. अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.